आज मैं आपके लिए लाई हूँ चावल के फूल की रेसिपी, जिसे चरौरी बोलते हैं हमारे बिहार झारखंड में। बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट होती है और हमारे यहाँ इसे दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। बनाना बहुत आसान है और बहुत कम सामान लगते हैं, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी हम ले लेंगे मेजरमेंट के लिए। इसी कटोरी से एक कटोरी मैंने चावल लिया है, ये मोटा वाला नया चावल है। इसे रात भर के लिए धोकर अच्छी तरह भिगो दिया था। अब हम इसका पूरा पानी निकालकर ग्राइंडर में डाल देंगे सारे चावल को। और जिस कटोरी से हमने चावल नापा था उसी कटोरी से तीन कटोरी पानी एक बड़ी कढ़ाई में ले लेंगे। इस रेसिपी में 5 से 5.5 कप तक पानी लगेगा, तो इसलिए कटोरी फिक्स करना ज़रूरी है। और जो हम चावल पीसेंगे वो पानी भी इसी में काउंट होगा। तो 3 कटोरी पानी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। 1 कटोरी पानी फिर से लिया है, इसमें से 1/2 कटोरी डालकर चावल को बहुत फाइन सा पीसना है। तो उंगलियों से चेक कर लें, ये खुरदुरा सा नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन होना चाहिए। तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और जो 1/2 कटोरी पानी बची है उसे ग्राइंडर में डालकर सारा बैटर अच्छे से निकालकर इसी में मिक्स कर देंगे। ये बैटर हमें पतला रखना है। यानी कि 4 कप या 4 कटोरी पानी अभी हमने यूज कर लिया। बैटर इस तरह का अभी है। पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे और जब इसमें उबाल आने लगे तब 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच कलौंजी डाला है मैंने, मंगरेल। आप इसकी जगह में जीरा भी डाल सकते हैं। अब बैटर को एक बार मिक्स कर लेते हैं और धीरे धीरे इस पानी में डाल देंगे। लो फ्लेम पर बिल्कुल चलाते हुए इसे पकाना है और लगातार चलाते रहें, वरना ये नीचे जाकर चिपक जाएगा और फिर जलने लगेगा। इसलिए पानी मैंने पहले गर्म कर लिया, इससे तली में चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छे से बैटर बनकर तैयार हो जाता है। 12 से 15 मिनट तक इसे कुक करना है लो फ्लेम पर, तो बीच बीच में 1/2 कटोरी करके मैंने 3 बार पानी डाला था, क्योंकि ये नया चावल है और पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अगर आप पुराने चावल से बना रहे हैं तो हो सकता है कि 1/2 कटोरी पानी कम लगे। हमें बिल्कुल थिक सा डो की तरह का बैटर चाहिए, क्योंकि हम इसके फूल बनाएंगे, पापड़ नहीं। पापड़ के लिए थोड़ा गीला बैटर जरूरत पड़ता है। तो शुरू में ये बिल्कुल दूध की तरह सफेद था, धीरे धीरे इसका कलर थोड़ा लाइट भी होने लगेगा और इसमें एक शाइन भी आने लगेगी और फिर ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो 15 मिनट तक मैंने कुक किया है, लगातार चलाते हुए इसे पकाया है और जब तक इसमें एक अच्छी सी शाइन ना आ जाए तब तक इसे पकाना है। अब इसमें शाइन भी दिख रही है और ये काफी गाढ़ा भी हो गया है। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम धूप में जाकर इसके फूल बनाएंगे। तो यहाँ पर प्लास्टिक की शीट को बिछा दिया है, इस पर से उचाड़ने में आसानी होती है। और केक नोजल और पाइपिंग बैग की सहायता से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल प्लास्टिक की थैली से भी बना सकते हैं छेद करके, या हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा चिपकता है इसलिए, और गर्म भी होता है इस टाइम पे, तो ऐसे प्लास्टिक से काफ़ी आसान हो जाता है। लास्ट में मैं आपको हाथ से बनाकर भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से सारे चावल के फूल मैंने बना लिए हैं। नोजल से थोड़ी सी डिज़ाइन भी आ जाती है और बनने के बाद ये बहुत सुंदर दिखता है। तो थोड़ा सा बच गया था, करीब 8-10, तो उसे मैंने हाथ से बना लिया। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो सारे फूल बनकर तैयार हैं। इसे पूरे दिन की कड़ी धूप चाहिए सूखने के लिए और मुझे सुखाने में 2 दिन लग गए। 1 दिन के बाद प्लास्टिक से उचाड़कर थाली में रखकर सुखा लिया, तो ये बहुत अच्छे से सूख गया है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब इसे बिल्कुल गरम तेल में हम फ्राई करेंगे, फ्लेम भी हाई होना चाहिए और इसे फ्राई करने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं और ये अपने साइज से डबल ट्रिपल हो जाता है। चावल जितने अच्छे से पकेगा आपके फूल उतने अच्छे फ्राई होंगे। तो ये हो चुका है,
शाम के नाश्ते में या टी टाइम स्नैक्स की तरह आप इसे बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।